नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर के अंदर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारे यहाँ पर कोस्टिंग की क्लासेज चल रही है, तो कोस्टिंग की क्लासेज के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोस्टिंग, उसकी यह थर्ड क्लास है। हम ऑलरेडी 2 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोस्टिंग के अंदर जो कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, ये जो 4 वर्ड है उनके मतलब जाने थे। और सेकेंड क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में जाना था। यह कॉस्टिंग की तीसरी क्लास है, जहां पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कॉस्ट के। टाइप ऑफ कॉस्ट अपने आप के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जो क्लासेज होगी वो आपके लिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरार के लिए यूजफुल होगी। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरार के अंदर यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लिए। एंटीनेट कॉमर्स के लिए यूजफुल होगी, जूनियर अकाउंटेंट के लिए यूजफुल होगी, और अदर एग्जाम जहां पर आपके सब्जेक्ट के अंदर कोस्टिंग है और आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनका फॉर्मेट एमसीक्यू है, वहां पर ये क्लासेज यूजफुल रहेगी। तो इस क्लास को देखने से पहले आप हमारी क्लास नंबर 2 जरूर से देखिएगा, जहां पर हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जहां पर हमने थ्योरी डिस्कस की है टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल आराम से टाइप ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया है, और उसके बाद में हम इन एमसीक्यूज को कर रहे हैं। आप इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स मेरी जान, वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसका जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ ए रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होती है। अगर कोई भी मैनेजमेंट किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो उसके लिए जो यूजफुल कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द रेलिवेंट कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि फ्यूचर की जो कॉस्ट होती है वो एक तरह की क्या होती है? रिलीवेंट कॉस्ट होती है। अब मैनेजमेंट का ध्यान में क्यों रखेगा? क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो होता है फ्यूचर में, वो इफेक्टेड होगा। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना, कॉस्ट इफेक्ट होगी इसकी वजह से। और डिसीजन और रिलीवेंट कॉस्ट का एक और अच्छा एग्जांपल है, जो कि स्टूडेंट अधिकतर गलती करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो एग्जांपल होता है रिलीवेंट कॉस्ट का, और एक होती है संक कॉस्ट। इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो मतलब क्या होता है? इनकम फॉरगॉन। हमारे से इनकम जा रही है क्योंकि हमने दूसरा तरीका चुना है। संक कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट फॉरगॉन। पास्ट में कोई हमारे से कॉस्ट चली गई, पास्ट में हमारी कोई कॉस्ट लग गई, अब वो कॉस्ट वसूल नहीं हो सकती है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट एक तरह की इरिलीवेंट कॉस्ट होती है, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरह की रिलीवेंट कॉस्ट होती है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के, ये जितनी भी मैं चीजें बताऊंगा आप वहां पर नोट डाउन कर रहे हो, एक बार नोट डाउन कर लोगे कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहां पर द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ ए रिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट एक फ्यूचर कॉस्ट को अफेक्ट करती है, बिल्कुल। दिस कॉज एन इंक्रीमेंट इन कॉस्ट, यह कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंट करती है, बिल्कुल। संक कॉस्ट एक रिलीवेंट कॉस्ट है, मैंने हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया था कि संक कॉस्ट एक इरिलीवेंट कॉस्ट होती है, यह फ्यूचर कैश फ्लो को भी इफेक्ट करती है। तो यहां पर सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, इनमें से ट्रू बताओ। किसके बारे में? रिलीवेंट कॉस्ट के बारे में। संक कॉस्ट एक रिलीवेंट कॉस्ट है? नहीं सर, संक कॉस्ट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जो रिलीवेंट कॉस्ट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल ही एक तरह की रिलीवेंट कॉस्ट होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मेरी खुद की एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग को किराए पर ना देकर उस बिल्डिंग के अंदर खुद ही बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को ये भी तो ध्यान रखना होगा कि जब मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ तो इतना रुपया तो कमाऊँ कि अगर मैं उसको किराए पर देता, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये कमा लेता, तो 10,000 रुपये तो कम से कम कमा कर दूँ। अदरवाइज 10,000 रुपये से कम कमा रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए क्या है? डायरेक्टली लॉस है।
इट डू नॉट अफेक्ट, ये डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करती है। गलत सर, ऑल कॉस्ट आर रिलीवेंट, नहीं सर सभी कॉस्ट रिलीवेंट कॉस्ट नहीं होती है, जैसे कि संग कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, वो रिलीवेंट कॉस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो संग कॉस्ट होती है, संग कॉस्ट भी एक तरह की हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, तो यह जो कॉस्ट होती है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, यह जो कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है, इरिलीवेंट कॉस्ट होती है। इन डिसीजन मेकिंग ऑल कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड इन द पास्ट, देखिएगा डिसीजन मेकिंग के अंदर सभी जो कॉस्ट होती है जो कि पास्ट में क्या हो चुकी है, इनकर हो चुकी है, आपको उनको क्या करना चाहिए, पास्ट के अंदर जो इनकर हो जाती है उनको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और हिस्टोरिकल कॉस्ट एक तरह की इरिलीवेंट कॉस्ट होती है, और इरिलीवेंट कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग करते समय क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं हिस्टोरिकल कॉस्ट रिलीवेंट कॉस्ट या इरिलीवेंट कॉस्ट है, यह एक इरिलीवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है क्या, देखो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर पढ़ के नहीं जाएंगे ना तो वो चार जब ऑप्शन आते हैं ना तो स्टूडेंट इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब पास्ट का कोई डिसीजन था वो सब कर सकता था तो वो एक तरह की हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, तो ऐसे दिमाग जाता है जब पढ़कर नहीं जाते हो तो। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, बताया मैंने कि यार हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए इरिलीवेंट होती है, दूसरे ऑप्शन पर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। पीरियड कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड होती है। पीरियड कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसीडर्ड एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, यानी कि इन्वेंट्री के ऊपर लगने वाली जो कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो इन्वेंट्री के ऊपर नहीं लगती उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो वेरिएबल है या फिक्स है। कल बहुत ही क्लास, कल की जो क्लास थी क्लास नंबर 2, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था ये कौन सी कॉस्टिंग होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। व्हाट वुड बी एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट इन ट्रीटिंग संक कॉस्ट, अब बताओ संक कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग करते समय मैनेजमेंट किस तरह का एटीट्यूड रखता है, क्या संक कॉस्ट को कंसीडर्ड करता है, नहीं संक कॉस्ट को कंसीडर्ड नहीं करता है। क्यों कंसीडर्ड नहीं करता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि यह पास्ट के ऐसे खर्चे होते हैं जो कि रिकवरेबल नहीं होते हैं, इसलिए अब इनका ध्यान में नहीं रखना होता है हमको। अब देखो इट इज द पास्ट कॉस्ट विच डू नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट इन द डिसीजन मेकिंग, जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर यूजफुल नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हिंदी में प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूं कि जब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट एमसीक्यू के एग्जामों के अंदर अगर इंग्लिश वाले मैटर से पढ़ लेगा ना तो वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कवरअप कर लेगा। रीजन क्या है, क्योंकि अब आपको यहां पर क्या होगा, चीजों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी कंफर्म है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अगर एक इंग्लिश वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके कंपैरिजन के अंदर इस क्वेश्चन को एक हिंदी वाला स्टूडेंट पढ़ेगा ना, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेगा। और सिंपल सी बात है, जब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेगा एग्जाम में यही तो चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दो, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दोगे तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना वो गलत नहीं होंगे। अभिषेक इज रनिंग हीज ओन पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, ही हैज बीन ऑफर्ड ए सैलरी ऑफ ₹45,000 पर मंथ, जिसने उसको अवेल नहीं किया। ये 45,000 जो थी वो बताओ इनकम फॉरगोन थी या कॉस्ट फॉरगोन थी, यह थी इनकम फॉरगोन। देखो मेरे साथ चलते रहना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, अभिषेक ने क्या किया, एक जॉब का ऑफर आ रखा था ₹45,000 का, उसको छोड़कर अपना खुद का बिजनेस कर लिया, तो ₹45,000 इनकम फॉरगोन है, इनकम थी जो चली गई है ना, तो उसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको क्या कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना कि संक कॉस्ट। संक कॉस्ट तो क्या होती है, कॉस्ट फॉरगोन। बेसिक अजम्पशन मेड इन द डायरेक्ट कॉस्टिंग विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सिंपल सी बात है हमको भी पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह की पीरियड कॉस्ट होती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट कह दो या इम्प्लिसिट कॉस्ट कह दो, जिनके लिए रुपया नहीं जाता है, एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये इम्प्यूटेड कॉस्ट कह दो, इम्प्लिसिट कॉस्ट कह दो, इकोनॉमिक कॉस्ट कह दो, एक ही बात होती है।
इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों इनडायरेक्ट चीजों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ओवरहेड बन जाता है। प्राइम कॉस्ट जो होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहां पर क्या जाएगा, मटेरियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस होते हैं वो आपके लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो उसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों ही नेचर के वो वहां पर होते हैं। अपनी ही प्रीमाइसेज का जो रेंट होता है उसको आप नोशनल कॉस्ट कह दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह दो, एक ही बात होती है। टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल कह सकते हो, या फिर सेमी वेरिएबल तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर देंगे, सेमी फिक्स, सेमी फिक्स बोले तो आधा फिक्स है, तो आधा फिक्स है तो क्या हो जाएगा, आधा वेरिएबल हो जाएगा। ए कॉस्ट विच हैज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउट केस आउटलो, जहां पर केस का आउटलो नहीं होता है उसको क्या कौन सी कॉस्ट कहते हैं, नोशनल कॉस्ट कहते हैं। नोशनल कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इंप्यूटेड कॉस्ट। अब देखो ये तो इतनी सारी चीजें तो एमसीक्यू से ही पता चलने लग गई आपकी। संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट नहीं होती है। कन्वर्जन कॉस्ट, कल मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मटेरियल आता है और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर मटेरियल नहीं आता है, तो जहां जहां मटेरियल है उन ऑप्शन को तो पहले काटो, अब ये दो ऑप्शन है। वेजेस एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी इसमें आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बताया था ना फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आउट ऑफ द पॉकेट मतलब कि जिनके लिए रुपया जाता है, एक्सपेंसेज होता है, तो एक्सपेंसेस ही मैंने एक्सप्लिसिट याद करवाया था आपको क्लास में, तो क्या हो जाएगा, जिनके लिए वास्तव में रुपया जाता है वो क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जिनके लिए रुपया नहीं जाता है वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रुपया नहीं गया, वास्तव में सैलरी दी, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Which of the following is not a relevant cost? इनमें से कौन सी relevant cost नहीं होती है, historical जो cost होती है जो कि past में घट चुकी होती है वो relevant cost नहीं होती है। Sunk cost क्या होती है, देखो अब इतनी बार आ गया sunk cost का हमने class नहीं देखी, थोड़ा मतलब बता दो। Sunk cost को हिंदी में क्या बोलते हैं, डूबी हुई लागत। For example क्या हुआ, आपके पास ये A मशीन थी, ए मशीन लाई हुई थी 5 साल पहले, कब लाई हुई थी आपके लिए, ये 5 साल पहले लाई हुई थी, और 5 साल पहले ये लाई हुई थी 1 लाख रुपए की। अब इस मशीन के ऊपर क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता गया, अब ये मशीन हो गई है 20,000 रुपए की। लेकिन मशीन भाई साहब बहुत ही कम प्रोडक्शन करती है, जहां पर अभी एक नई मशीन आई है बी, वो 10 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करती है, 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि फटाफट से बी मशीन को खरीदेंगे। अब जब बी मशीन को परचेज करने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि ये मशीन अप्रचलित हो चुकी है, अब ये मशीन क्या हो चुकी है, अप्रचलित, यानी कि ऑब्सोलेंस हो चुका है इसका, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मशीन अप्रचलित हो चुकी है, तो अब इसकी जो WDV वैल्यू है वो हमारे किसी काम की है क्या, बिल्कुल काम की नहीं है। तो ये रिकवर हो सकती है क्या, नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। जब 1,000 यूनिट बनाती है और 10 लाख यूनिट बनाती है, तो वो वाली मशीन नहीं तो यूज आएगी, अब इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, एक तरह की डूबी हुई लागत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, ये तो बिजनेस वाला हो गया, थोड़ा सा घर वाला एग्जांपल दे दो। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे घरों के अंदर, सबके घरों के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां पड़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से ही क्या हुआ, रंगीन टीवी का माहौल बना, फिर रंगीन टीवी से LCD बनी, फिर LED बन गई, है ना। हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी छोटी वाली बड़ी हुई थी, ठीक है। अब LED का जमाना आ गया, अब हम LED खरीदने गए, तो LED खरीदने गए तो हमारे घर में वो टीवी पड़ी, तो हम तो ये सोच रहे थे ना कि भाई लाए थे तब तो 10,000 रुपये की थी, अब 1,000 रुपये तो कोई देगा ही देगा, हैं। तो हमने कहा कि इसको 1,000 रुपये में ले लो, उसने कहा कि नहीं नहीं आज के लिए टीवी चलती नहीं है, कोई नहीं देखता, कबाड़ी में दे दो इसको, ऐसा वो कहने लग गए, ठीक है बात। तो अब वो जो, अब जो उसकी जो 1,000 में डेप्रिसिएशन लगा कि आज उसकी जो WDV वैल्यू में 1,000 रुपये करता हूँ, वो मेरे लिए क्या डूबी हुई लागत है, क्योंकि वो तो वसूल नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अब प्रचलित हो चुकी है, नई क्वालिटी की टीवियाँ आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी की टीवियाँ आ चुकी है। तो जो संकोच होती है वो, संकोच का मतलब समझ में आ गया, संकोच अब डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी भी यूजफुल नहीं होती है, पास्ट कोच होती है जो कि इरिकवरेबल होती है, बिल्कुल। देखो ये यही आंसर है। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्परेली क्लोज्ड, सिंपल सी बात है, हमारी जो बिल्डिंग है वो क्या हो रही है, टेम्परेली क्लोज्ड हो रही है, क्या हो रही है, टेम्परेली क्लोज्ड हो रही है। जब हमारी बिल्डिंग टेम्परेली क्लोज्ड हो रही है तो उस समय कि जो कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट। वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर से वीडियो देखिएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको नेचर बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो क्या होती है, फिक्स होती है। पर यूनिट तो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो क्या होगी, फिक्स होगी, जबकि टोटल के अंदर वो क्या होती रहेगी, वेरिएबल होती रहेगी। ये भी वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट आता है विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के सभी फीचर्स है लेकिन कौन सा फीचर्स नहीं है ये बताना है। एलोथ फिक्स्ड कॉस्ट विथ इन ए रिलीवेंट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट रिलीवेंट या इरिलीवेंट है, सबसे पहले है इरिलीवेंट है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, इरिलीवेंट होती है, रिलीवेंट इन डिसीजन मेकिंग नहीं। एलोथ फिक्स्ड कॉस्ट इज रिलीवेंट रेंज, नहीं सर जनरली इट इज इरिलीवेंट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इरिलीवेंट होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी क्वेश्चन आए ना तो पहले देखना रिलीवेंट या इरिलीवेंट होती है। ठीक है जी, बिल्कुल सर जी समझ में आ गया हमको, सारे के सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए। अगर आपको इन क्वेश्चनों से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हैशटैग करके कॉमर्स मेरी जान लिखिएगा और अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जो भी हैशटैग लगा कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेटली उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, वहां पर हर वीडियो की पीडीएफ आपके साथ शेयर होने वाली है। तो टेलीग्राम से जरूर से जरूर से जरूर से जुड़ जाइएगा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। वीडियो पसंद आया है, एफर्ट्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाते रहे, इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।